महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख पुत्र अमित देशमुख लातूर बैठक पर चूंटणी लड़ी रहा है। तेरे आज वहली सवारे पत्नी साथ मतदान करने पहुंचा था। अदिति देशमुख और अमित देशमुखे मतदान करता फरज निभावी, साथ नागरिकों ने मतदान करने अपील करी। अदिति देशमुखे जनव्यू कि महाविकास आघाड़ी मे उत्तम तक है। हरेक आदमी और महिला खासकर अपना वोट का अधिकार और जवाबदारी भी है, इनको इसको डेफिनेटली पार पाड़े और सब लोगों से अपील है कि वोट करें। ठीक है, आप चूंकि वाइफ हैं, विलासराव देशमुख साहब मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, उसी टाइम से अमित देशमुख साहब एमएलए हैं, अगर पार्टी को अगर जनता बहुमत देती है महाविकास आघाड़ी को, तो आप चाहेंगे कि आपके पतिदेव मुख्यमंत्री बने? वो तो भगवान के हाथ में है, हम नहीं कह सकते, लेकिन जरूर बहुत अच्छा मौका है महाविकास आघाड़ी के लिए और आगे जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा और देखेंगे। बीइंग ए फीमेल, आपको आजकल पीछे अगर 15 साल पहले 20 साल पहले देखें और अब, ज्यादा क्रेज महिलाओं में वुमेन्स में होता है वोटिंग राइट्स को लेकर या मेल में? नहीं, दोनों तरफ बराबर ही है, लेकिन डेफिनेटली महिलाओं में अवेयरनेस ज्यादा है और महिला और आगे आके वोट कर रही हैं और करना चाह रही हैं। मैं आज हमने वोट डाला है सह परिवार और हमारे सारे ग्रामस्थ, और आज दिन भर हम पोलिंग स्टेशन पर मैं विजिट करूंगा, मतदाताओं से मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, नेताओं से मिलूंगा, और दिन भर वोटिंग कैसे हो रहा है इसका ब्यौरा हम लेंगे लातूर शहर, जिला मराठवाड़ा, महाराष्ट्र। क्योंकि सर आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, विलासराव देशमुख साहब मुख्यमंत्री रहे, मैं सुबह से इधर हूँ, तो जो यूथ है, यूथ तो आप भी हैं, उनमें एक है कि अमित देशमुख साहब को सीएम बनना चाहिए। नहीं, अब उनकी एक ख्वाहिश और मंशा रहती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन तो पार्टी के शीर्ष नेता करते हैं। मुझे लगता है कि जो विधायक आते हैं उनमें चर्चा होती है और पार्टी के शीर्ष नेता इस पर निर्णय लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनना ये पहले हमारी प्राथमिकता है। तो 23 को अगर ये मौका जनता देती है तो महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों के साथ तो कांग्रेस ही जीतेगी, बाकी जो आपके सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस के पीछे ही रहेगी, तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा? नहीं, ऐसा है कि अब किसकी कितनी सीटें आती हैं तो नतीजा आने के बाद ही उस पर टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, उसमें किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन हम एक विचार के साथ इकट्ठा हुए हैं तो महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। अब किस पार्टी का होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। मौजूदा सरकार रिपीट नहीं होगी? मुझे नहीं लगता। उधर कल की जो घटनाक्रम है, टेलीविजन स्क्रीन पे सबसे ज्यादा वो खबर रही विनोद तावड़े को लेकर, उसमें क्या लगता है आपको? जो कैश की बात आई, कैश बांटा जाना था, हालांकि उन्होंने आरोप को सिरे से खारिज किया कि ये बेवजह के आरोप है। बेवजह के आरोप कैसे हो सकते हैं? आप सभी ने वो जो हुआ वो दिखाया और अब उस पर कार्रवाई भी होती हुई नज़र नहीं आ रही, उसको मेरे ख्याल से पीछे ढकेलने का काम हो रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो चुनाव आयोग है या हमारा लोकतंत्र है, इसके लिए ये सेहतमंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे थे कि सत्ता से पैसा और पैसों से सत्ता, अब ये सही साबित हो रहा है, उन्होंने ही दिखा दिया। इस सीट पे तो आप लग रहा है जैसे अपनों से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं वो मेयर कांग्रेस से रहे हो, तो ये लड़ाई अपनों से ही क्यों छिड़ गई यहाँ आपकी? नहीं, अब कैसा किसकी क्या महत्वाकांक्षा होती है इस पर किसी का तो जोर नहीं चलता। ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। वैसे तो कांग्रेस परिवार एक ही है, किसी एक ने कोई नया विचार अगर स्वीकार लिया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कांग्रेस परिवार में ही लड़ाई छिड़ गई है। किस जो विचार जिन्होंने अब स्वीकारा है उन विचारों से ये लड़ाई है। लास्ट सर क्वेश्चन ये, कुछ तो प्रेडिक्शन आपने किया होगा
23 को लेकर कुछ तो आकलन होगा आपका, क्या होने वाला है 23? मुझे ऐसा लगता है जब नतीजे सारे आ जाएंगे तो महाविकास आघाड़ी को तकरीबन मतलब 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होगा।